आज अगर मैं बात करूं, मुझे बड़ा फक्र होता है कि एक ऐसा जॉब जिसमें सरकार मुझे 10 लाख रुपए सालाना देती थी। अच्छा, क्या पोस्ट थी आपकी? मैं सर इंस्पेक्टर था कस्टम हैंडल एक्साइज में। तो जो बड़ी बात है सर, मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मेरा विश्वास और जो मैंने सीखा उसके आधार पर वर्ष 2017 में मैंने एक निर्णय लिया। मुझसे बहुत सारे लोग समय समय पूछते रहते हैं, आज भी पूछते हैं। पहले उस समय तो लोगों को बड़ा अजीब सा अचंभा हुआ था कि एक इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, जहां मुझे 10 लाख रुपए करीब सालाना सैलरी मिला करती थी। मैंने उस जॉब को क्विट किया और आज मैं एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी जो स्टोरी का ये वाला जो पार्ट है कि आपने तीन तीन जॉब किए, दो किए, एक का ऑफर था, अच्छी पोस्ट थी। नहीं, इसके अलावा मेरे 5 सिलेक्शन और हुए बस। अच्छा, okay. बैंक्स और इंश्योरेंस में उनको मैंने एक्चुअली टच भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो यहाँ ये कहकर मैं शेक ही नहीं बिगाड़ता। एक्चुअली मैं अपने स्टेजेस पर भी लोगों से बोलता हूँ, लिसन, बहुत सारे आज का जो हमारा यूथ है सर, वो पढ़ रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मुझे ये पता है सर कि दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सिर्फ नौकरी कैसे की जाए किसी की वो सिखाता है। तो मैं उन लोगों को ये बताने की कोशिश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी कि अगर जॉब से कुछ हो रहा होता तो मैं 8 जॉब्स के बाद, जिनमें से 2 तो मैंने किए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मैं कुछ और चूज क्यों करता। जॉब से बहुत कुछ नहीं होता है सर, जॉब से सिर्फ आप, मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको भूखे सोने नहीं देती और आपकी जिंदगी में तरक्की कभी होने नहीं देती। तरक्की नहीं होगी कभी भी, आप जहां हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छुएंगे आप। वंडरफुल। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है कहीं भी? ऑब्वियसली ये तो आज की डेट में अगर आप बात करें, अनलिमिटेड मार्केट है सर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने राज्य में, आप पूरे देश में, विदेशों में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इससे बड़ा फील्ड ही मुझे नजर नहीं आता आज की डेट में करने के लिए। दैट्स ग्रेट। हिंदुस्तान में सर आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। कारण क्या है कि हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, नॉट बिकॉज कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका मैं प्रशंसक हूं क्योंकि वो वाकई बहुत सारे चीजों को डिफरेंटली सोचते हैं। उनकी एक मन की बात को मैंने बड़े ढंग से फॉलो किया, उसमें उन्होंने एक जगह एक बात बोली सर, सर कि हमें अपने युवा को ना जॉब सीकिंग मेंटेलिटी से बाहर लाना होगा, राइट, और उन्हें जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी डेवलप करनी होगी। और मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता जहां पर कि आप अपने लोगों को जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी की तरफ ले जाओ, यानी कि जहां पर आप लोगों को दूसरे लोगों की हेल्प कराने का कोई साधन उपलब्ध करा सको। और डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं बात करूं सर, फ्यूचर जो अगर हिंदुस्तान में, मेरे पास जो आंकड़े उसके अनुसार लगभग 80 से 85 लाख युवा हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं। दुर्भाग्य सबको तो नौकरी मिल नहीं रही है। तो एक इतना बड़ा बेरोजगार वर्ग जो आज हमारे सामने है, और ना सिर्फ इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, दूसरी तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा वत्सा, मैं यूपी से आता हूं सर, और यूपी पुलिस ने भी हाल ही में भिस्ती की वैकेंसी निकाली। आप जानते हैं भिस्ती क्या होता है? भिस्ती नहीं सर। नहीं जानते? भिस्ती एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। अच्छा, ओके। पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है, और उस 60 वैकेंसी के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा 92,000 बच्चों ने अप्लाई किया। अच्छा, ओहो। और उनमें से 4,597 बच्चा, 4,597 उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो लोग थे जो पीएचडी होल्डर्स थे। अच्छा, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितना बड़ा मार्केट समझ सकते हैं उस एंगल से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं सर, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज पढ़ रहा था, उसमें एक रिसर्च पर बात हुई कि हिंदुस्तान का इस समय 80% युवा डिप्रेशन का शिकार है। और वो डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो जो कर रहा है वो अपनी काबिलियत से बहुत नीचे जाकर करना पड़ रहा है उसको। पीएचडी होल्डर अगर पीओन की नौकरी कर रहा है तो वो तो वो भी नहीं मिली होगी सभी को, सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिलेगी तो 60 को ही ना। हाँ, उनके पास तो 60 ही वैकेंसी है। तो वो सब चीजों का एक ही उपाय है, समाधान है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर बच्चा इसको समझेगा तो उसको फायदा मिलेगा। और अगर मैं फ्यूचर की और बात बताऊं, आज हिंदुस्तान की आपको पता है 12 यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रही है, राइट, एज ए सब्जेक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आने वाले समय में जब बच्चा आएगा बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसकी मेंटेलिटी अभी एकदम तो चेंज होगी नहीं, वो जॉब ही ढूंढेगा, राइट, दुर्भाग्य सबको मिलेगी नहीं। तो उसके दिमाग में एक बात जरूर होगी कि भाई नौकरी नहीं मिली, कुछ और भी पढ़ा था, वो था डायरेक्ट सेलिंग, तो वो उस तरफ भागेगा, राइट। तो एक बहुत बड़ा भविष्य है, और आंकड़े बता रहे हैं सर 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है हिंदुस्तान में, और अगले सिर्फ 5 सालों में ये करीब करीब 64-65 हजार करोड़ की होने जा रही है। ये फिक्की की रिपोर्ट है, फिक्की की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है सर कि 5 गुना
5 गुना तरक्की आज आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लो नहीं होने वाले हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में। तो